हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट न्यूट्रिशन यानी पोषण। हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके बारे में बात किया है, लेकिन थोड़ा सा आगे हम इसमें आज बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, न्यूट्रिशन इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, पोषण। अब देखिए, न्यूट्रिशन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। क्या होता है, होल प्रोसेस टू ऑब्टेन फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखो इसके टाइप्स कितने होते हैं, दो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको हम कहते हैं क्या, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और तो क्या है, मेक देयर ओन फूड। क्या करते हैं ये, मेक देयर ऑन फूड। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अब दूसरा अपना क्या है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि विषमपोषी पोषण बोलते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से डिपेंडेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एनिमल्स और फंगस हो गए, है ना। अच्छा, अब हम इसमें आगे हम बात करेंगे इनके बारे में। तो देखिए, जैसे कि हमने देखा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अब क्या होता है इसमें, देखिए दोस्तों, जो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे क्या, ग्रीन प्लांट्स, इनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं इनको हम, इनको कहा जाता है जो अपना खाना खुद बना रहे हैं इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, और तो जैसे हमने देखा कि जो प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं कैसे बनाते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्लांट में जो होता है इनका, तो प्रोसेस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें है फोटोसिंथेसिस, ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट अपने खाना बनाते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों देखिए कि इसमें तो प्लांट्स अपना खाना बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, बना रहे हैं, लेकिन खाना बनाने के लिए जो होते हैं ना रॉ मटेरियल्स कौन कौन से इसमें होंगे, है ना भाई। जैसे अगर इनको खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए जो होते हैं ना मटेरियल, जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या क्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसमें आपके आते हैं क्या, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि क्या इसमें आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, ये जो प्रोसेस, इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में पहले बात तो क्या इसमें आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर, प्लस वाटर यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साथ ही साथ क्या इन्हें चाहिए, क्या सनलाइट, इसके अलावा क्लोरोफिल। तो इन चारों की मदद से जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। जो खाना बनाते हैं, बाय प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनता है, तो यहाँ बनता है स्टार्च, इसको बोलते हैं ग्लूकोज C6H12O6, ये यहाँ बनता है बाय प्रोडक्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, या इसी को स्टार्च भी बोलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे और भी बनता है, क्या क्या चीजें यहाँ बनती है, यहाँ बनता है ऑक्सीजन प्लस वाटर। देखिए, इसको हम बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, इस रिएक्शन को पर बैलेंस करेंगे। तो दोस्तों बाय प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बना, ग्लूकोज ऑक्सीजन और वाटर बना। तो यहाँ पे जो है
इसको हम बैलेंस करें, कार्बन 6 है, यहाँ अपने को 6 करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ अपना आ गया, देखो ये अपना यहाँ 12 की है ना। अब इसे हम करेंगे बैलेंस, तो बर्तना 24 एच है, 12 यहाँ पे है, और हमें जो है 12 यहाँ करना, तो 6 दूनी हो जाएगा 12, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 और 6 12 ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पे कितने हैं, 12 यहाँ और 12 यहाँ पे ऑक्सीजन है, 24 है ना, तो 6 और 6 12, 12 और यहाँ पे कितने करते हैं 12, ठीक है ना। तो ये जो है रिएक्शन जो है पूरा कंप्लीट हो जाती है। ये रिएक्शन है किसकी है, फोटोसिंथेसिस की, है ना, जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। अच्छा देखो ये जो रिएक्शन यहाँ हो रही है इसमें होता क्या है, तो उसको हम समझते हैं। ये यहाँ जो वाटर है, ये यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसका नाम क्या है, ये इसको हम बोल रहे हैं ग्लूकोज, ये अपना ऑक्सीजन, ये अपना हो गया वाटर। देखिए दोस्तों इस रिएक्शन में देखिए होता क्या है, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये रिड्यूस्ड होके, यहाँ जो CO2 है ये रिड्यूस्ड होके जो है ना, मतलब इसमें होता रिडक्शन, तो ये रिड्यूस्ड होके क्या बनाता है, ये बनाता है ग्लूकोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। और यहाँ पे जो वाटर होता है H2O, ये सनलाइट की वजह से, ये सनलाइट की वजह से जो होता है ना, ये जो यहाँ पे H2O है, यहाँ से हाइड्रोजन जो है, यहाँ से क्या है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ये जो ना ऑक्सीजन यहाँ पे भी अलग हो जाता है। तो दोस्तों हमारे एटमोसफियर में हम जो ऑक्सीजन अपन जो लेते हैं, ऑक्सीजन जो इनहेल करते हैं, वो कहाँ से आता है, तो वो ये जो होता है ना वाटर मॉलिक्यूल, ये स्प्लिट होता है, डिकम्पोज होता है बिकॉज ऑफ सनलाइट। देखिए सनलाइट है, चूंकि यहाँ पे लाइट, लाइट का मतलब फोटो, क्या है, फोटो मतलब होता है लाइट, तो लाइट की वजह से चूंकि यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोटोलिटिक, क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये चैप्टर फर्स्ट में केमिस्ट्री जो है क्लास टेंथ का, उसमें आपको टाइप ऑफ रिएक्शन में हमने आपको उसमें बात किया था कि रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये वही ऑक्सीजन है जो अपने को यहाँ पे मिलता है अपने एटमोसफियर में, जो अपन उसको इनहेल करते हैं। दोस्तों ये तो थी यहाँ पे रिएक्शन की बात, अब हम इसमें देखेंगे रॉ मटेरियल इसमें क्या क्या है, वही जानते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या है रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स क्या क्या यहाँ पे हैं, यहाँ अपना क्या है सनलाइट, इसमें क्या है, जो पहला इसमें अपना हो जाएगा सनलाइट, ये सन हमें कहाँ से मिलती है, ये अपने को मिलती है सन से। सेकेंड थिंग इसमें अपने को क्या मिल रहा है, यहाँ से है अपना कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ पे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एटमोसफियर से इसको मिल जाते हैं प्लांट्स को, और ये जो है स्टोमेटा के थ्रू, क्या है, स्टोमेटा के थ्रू एंटर करता है, और ये जो होता है ना ऑक्सीजन जो यहाँ जो बनता है वो उसी स्टोमेटा पोर्स द्वारा क्या है बाहर रिलीज भी होता है। जो CO2 होता है ये एंटर करता है कैसे, एंटर बाय स्टोमेटा, स्टोमेटा से होकर ये अंदर आता है, ठीक है ना, कहाँ, जो प्लांट की जो पत्तियां होती है, जो ग्रीन पत्तियां होती है उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बोलते हैं क्लोरोफिल। इसका काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, क्या करना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। तो CO2 जो है एंटर करता है स्टोमेटा के द्वारा, और यहाँ ये जो बनता है ना ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो है ये रिलीज होता है कैसे, तो बाय स्टोमेटा। अब देखिए आगे इसमें जो नेक्स्ट है अपना, वो है आता क्या है, वाटर, क्या है, वाटर है ना, H2O वाटर, ये कहाँ से मिलता है, तो जो सॉइल होती है, सॉइल के द्वारा जो है
और देखो जो प्लांट है, प्लांट्स का जो रूट होता है, प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो रूट के द्वारा जो है सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है ना। अब फिर ये वाटर जो है प्लांट को मिल जाता है, कैसे, सॉइल के द्वारा। कि क्या क्या देखा, सनलाइट है इसमें, सनलाइट जो हमें कहां से मिल रही है, सन से। CO2 एंटर होता है स्टोमेटा के द्वारा, और जो ऑक्सीजन है इतनी सतह किसके द्वारा, बाय द स्टोमेटा। H2O जो है एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना, बाय द रूट्स। और इस सॉइल में जो मिनरल जो डिजॉल्व होते हैं, जैसे कि फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है ना, ये सब भी इसी के साथ जो है ना प्लांट्स को मिल जाते हैं। कौन कौन से, जैसे हो गया फास्फोरस हो गया और हो गया नाइट्रोजन, ये सब जो है वाटर के साथ ही रूट के द्वारा प्लांट्स को मिल जाता है, ठीक है ना। तो कितना हो गया, सनलाइट हो गया, लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल, क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है ना, एब्जॉर्ब सनलाइट। तो दोस्तों ये थे रॉ मटेरियल, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे, इसमें एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, अक्सर पूछते रहता है, इस रिएक्शन में कौन कौन से यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब यहाँ से कौन सी घटनाएं घट रही हैं। तो अब हम उसके बारे में यहां जानने वाले हैं, मेन क्या है, मेन इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे जो पहला, यहाँ पे जो इवेंट्स होता, सबसे पहली बात कि यहाँ पे होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। पहला यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ सन लाइट, कैसे, बाय क्लोरोफिल, बाय क्लोरोफिल, इसे यहाँ पे बाय क्लोरो। दूसरा यहाँ पे आता है क्या, यहाँ जो वाटर है, ठीक है ना, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ सनलाइट। भाई देखो ये जो सनलाइट आप यहाँ पे जो प्लांट जो लेते हैं ना, कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू किसमें, केमिकल एनर्जी, मतलब यहाँ पे जो सोलर एनर्जी है, जो क्योंकि देखो जो सोलर है, जो सन है, उससे जो लाइट मिल रही है उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड सोलर एनर्जी बोल रहे हैं उसी को, और वो एनर्जी जो है किसमें, केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब यहाँ पे जो लाइट है, देखो यहाँ पे जो लाइट एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल, किसमें, केमिकल एनर्जी में। और साथ ही साथ इसमें और क्या होता है, देखो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे जो H2O है, यहाँ जो H2O है ये जो है ये स्प्लिट होता है, क्या होता है, ये स्प्लिट होता है, ये ब्रेक हो जाता है, किसमें, H2 अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाता है यहाँ से। और तीसरा यहाँ पे जो होता है इवेंट्स होता है दोस्तों, वो क्या है कि यहाँ जो होता है CO2, इसमें होता है रिडक्शन ऑफ CO2, रिडक्शन ऑफ CO2 into किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, किसमें, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट में, जो कि यहां पे देख सकते हो जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है। दोस्तों ये था प्लांट्स का, ठीक है। अच्छा अब हम देखेंगे दूसरा जो है एनिमल्स, है ना, यानी हेटरोट्रॉपिक जो होता है न्यूट्रिशन, ये जिसे हमने इसमें देखा कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। तो हम जानेंगे अब ये कैसे फूड प्रोसेस या जो है खाना कैसे अपना खाते हैं या बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है ना, अब इसमें थोड़ा सा हम बात कर लेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की। देखो जैसे कि इसमें एक तो आपके होते हैं यूनिसेलुलर, हम बात करते हैं थोड़ा किसके बारे में, अबाउट ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या है, जैसे कि जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, ये यहाँ पे आपके जैसे हो गए यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, और दूसरा क्या, मल्टीसेलुलर,
मल्टी सिलेबल क्या मतलब है? यूनिक का मतलब होता है सिंगल, क्या होता है? सिंगल यानी सिंगल सेल्ड, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी वो जो एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे हो गया अमीबा, हो गया पैरामीशियम, हो गया, ठीक है ना, उसको हम क्या बोले, यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और दूसरा जो है मल्टीसेलुलर, इसमें क्या आते हैं, जो ऑर्गेनिज्म मोर देन टू सेल, टू या उससे ज्यादा से मिलकर बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, यानी मल्टीपल सेल्ड, मल्टीपल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। देखो दोनों में अंतर क्या है, जो क्या देख रहे हैं कि इसके पास एक ही सेल है, इसके पास एक सेल है, मतलब ये अपना जो होगा ना न्यूट्रिशन, यानी जो पोषण के लिए जो होगा ना इसकी प्रोसेस जो भी होगी, ठीक है ना, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एक्सक्रिएशन हो, न्यूट्रिशन हो, एवरीथिंग जो है ना, चूंकि इसका एक सेल है इसलिए वो सिंगल सेल के द्वारा ही ऐसी चीज वो करेगा, ठीक है। लेकिन इन मल्टीपल सेल्ड में क्या है, इनके पास जो है ना स्पेशलाइज्ड टिश्यूज ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें डाइजेशन के लिए, तो डाइजेशन के लिए इसमें होता है डाइजेस्टिव, इसमें सिस्टम होता है ना। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन के, तो उसके लिए इसमें होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है ना। तो मल्टीपल सेल में इसके पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, लेकिन इनके पास एक ही सेल होती है और वो उसी सेल के द्वारा जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और हम जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, इसके बारे में हेटरोट्रॉपिक में क्या क्या होता है, हम देखते हैं इसके टाइप्स, टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहला इसमें हम देखेंगे क्या, होलोजोइक, इसका टाइप पहला क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसमें वो ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड फूड पार्टिकल्स है ना को इंटेक करते हैं और बॉडी के अंदर, वो अपने बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको उसका पाचन करते हैं, इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म उसको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल में इसमें अपना क्या आ जाएगा, जैसे कि अमीबा हो गया, क्या हो गया, अमीबा है ना, ह्यूमन बींग, ठीक है। यानी ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड फूड, जो कॉम्प्लेक्स फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको उसका पाचन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलेंगे। अब जो क्या है सैप्रोफाइटिक, वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फीडिंग, अपने खाने के लिए जो डेड डिकेइंग प्लांट्स, जो डेड डिकेइंग प्लांट्स या एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक बोलते हैं, सैप्रोफाइट है ना। जैसे हो गया फंगस, एग्जांपल में फंगी इसमें जगह, और क्या मशरूम, तो क्या है जो फंगस है ना वो डिड के मैटर, जैसे क्या क्या देखो मैटर में एग्जांपल में क्या है, फंगी जो है इसमें जो इसमें इसमें जो फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं, डेड डिकेइंग मैटर, मैटर कैसा, जैसे कि हो गया, जैसे क्या हो गया, मशरूम हो गया, ठीक ना, ईस्ट हो गया, ठीक ना, ब्रेड हो गया, ब्रेड कौन सा, मोल्डेड ब्रेड जो होता है, ठीक है ना, उस पर ये जो है फंगी जो है अपना फीडिंग प्रोसेस या उससे अपना खाना ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें हम क्या बताएंगे, फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, ठीक है ना, मैटर जैसे कि लाइक ब्रेड मॉल्स ईस्ट, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया एंड एक्सेट्रा, इस तरह के जो मैटर होते हैं उस पर ये जो है फंगी जो होते फंजाई वो उस पे अपना जो है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। जो तीसरा जो है क्या है, पैरासाइट, क्या है, पैरासिटिक है ना ऑर्गेनिज्म, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन या जो अपना खाना जो है किसी ऑर्गेनिज्म के इनसाइड या उसके बाहर, इनसाइड या आउटसाइड रह के
ठीक है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। इस तरह के जितने ऑर्गेनिज्म उनको हम कहते हैं क्या, पैरासिटिक बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में जैसे कि हो गया कसकटा, कसकटा इसी को बोलते हैं अमर बेल, क्या बोलते हैं अमर बेल, इसी को कहते हैं अमर बेल कहते हैं। और क्या इसमें आ जाएगा, हो गया लिस, क्या हो गया लिस, ना जुए जो होते हैं जो सर में जो जुए होते हैं ये लिस हो गया, लीचेस, लीचेस हो गया, टैप वॉर्म हो गए, टैप वॉर्म। तो क्या क्या देखा आपने, पैरासाइट का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन या अपने फूड के लिए जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के, ठीक ना, उसके बॉडी के बाहर या अंदर रह के अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। जैसे हो गया जैसे कि कसकटा, इसी को बोलते हैं अमरवेल, लिस, क्या ये लिस का मतलब होते हैं जू, जो जुए होते हैं, ठीक है। फिर लीचेस मतलब कहते हैं जो टैप बॉम, टैप बॉम्स होते हैं, ये जो होते हैं ना बेसिकली जो टैप वर्म होते हैं ये इनसाइड बॉडी के अंदर रह के अपना जो होता है ना, खास तौर पे कहां, इंटेस्टाइन में, हमारे क्या है इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है उसमें जो है ये अपना वहां से क्या कहते हैं अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, लेते हैं वहां से, क्लियर। तो ये थे इसके टाइप्स थे। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे आगे किसके बारे में, जो अमीबा है ना, यानी जैसे हमने देख लिया कि जो प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स ये कैसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। आगे हम देखेंगे कि एनिमल्स में कैसे होता है न्यूट्रिशन, उनके कैसे होती प्रोसेस, प्लांट का अलग होता है इनमें अलग होता है, क्योंकि इनके अंदर जो होते हैं इन एनिमल्स इनमें डाइजेशन के लिए अलग अलग देखो इनके ऑर्गन्स होते हैं, तो कैसे करते अपना फूड प्रोसेस हम उसको आगे जानेंगे। तो हम पहले यहाँ जानेंगे और अमीबा के बारे में, न्यूट्रिशन इन अमीबा। दोस्तों देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे होता है। इसमें देखो अमीबा का डायग्राम है, ठीक ना, होता क्या है इसके अंदर, देखो ये सेंट्रल पार्ट है जो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसका न्यूक्लियस होता क्या है। अब देखो यहाँ पे जो है ये है फूड पार्टिकल, क्या है फूड पार्टिकल होता है यहाँ पे। देखिए इसमें होता क्या है कि जब फूड पार्टिकल अमीबा के जब पास जब उसके जब उसके जब करीब आता है तो होता क्या है, अमीबा में होता है स्यूडोपोडिया, उसमें स्यूडोपोडिया एक एक्सटेंशन होता है जो कि फूड पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। और क्या है जो स्यूडोपोडिया है, जैसे इसके अंदर ये फूड जाएगा फाइनली ये क्या होगा, ये बाद में क्या बनाता है, ये बनाएगा फूड वैक्यूल, क्या बनाएगा फूड वैक्यूल, मतलब ये जो फूड पार्टिकल है ये इसके अंदर पहुंच जाएगा फूड वैक्यूल में, और फाइनली जो है ये बॉडी के अंदर जो है ये अब इससे क्या करेगा, ये इसको करेगा डाइजेस्ट, इसको डाइजेशन करेगा, इसको पचाएगा, और फाइनली जो डाइजेस्ट फूड है उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे एब्जॉर्ब करने के बाद जो बचता है फूड पार्टिकल जो डाइजेस्ट नहीं होते उन्हें बाद में क्या करेगा, ये सर्किल अपने सरफेस से ये बाहर जो है उसको रिमूव कर देगा। तो ये जो है कुल मिलाकर होती है प्रोसेस किसकी होती है, अमीबा की, ठीक है। अगला जो है वो हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग,